आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर अफगानिस्तान जो है भाई, अफगानिस्तान जो मैच हारा, कसम से बता रहे हैं कि बहुत दुख हुआ, क्योंकि अगर अफगानिस्तान वो मैच जीत जाता और सबको लगा था जीत ही जाएगा, 9 विकेट आउट हो गए थे आखिरी विकेट में यार, 2 छक्के मार दिए नसीम शाह ने जो है सो है, तो क्योंकि फिर भारत ने अफगानिस्तान को इतने बड़े अंतर से हारा, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो आज पाकिस्तान और आज भारत और श्रीलंका का मैच होता, मतलब भारत फाइनल में पहुंच जाता, लेकिन आखिरी 2 बॉल पे छक्के, अभी तक बात हजम नहीं हो रही है। उसके बाद फिर आपको पता है कि स्टेडियम के बाद मैच हुआ, मतलब मैच के बाद फिर देखा कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, भाई आपस में फैंस जो हैं वो भिड़ गए। तो अब वो तो खैर क्रिकेट की बात थी, ये बात है तालिबान की। देखिए यहाँ पे तालिबान और पाकिस्तान में लगातार तनातनी जो है वो बढ़ती जा रही है ना, और तालिबान और पाकिस्तान की तनातनी शुरू हुई थी ड्यूरेंट लाइन से ही। कुनार प्रोविंस में आपको पता ही है कि जो बाढ़ है, जो पूरी वो लाइन है, ठीक है, वहां पे पाकिस्तान अवैध निर्माण कर रहा था और पाकिस्तान जो वो तोड़ता भी जा रहा था जो बाढ़ लगी हुई है। अब यहां पे उस समय अफगानिस्तान मतलब तालिबान और पाकिस्तान में भिड़ंत हुई, यहां तक कि पाकिस्तानी साइड से फायर हुआ और काफी लोगों की उसमें जान गई। तब वहां पे पाकिस्तान ने पहली बार ये देखा कि भाई ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। तालिबान ने पहली बार पाकिस्तान को बोला कि देखो ये सब हमारी, हम चुप है तो इसका फायदा मत उठाओ और हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अगर ऐसी नौबत आई तो हम रेडी हैं। और अब वो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो सही नहीं है। अब क्या ऐसा हो रहा है, देखिए फिर से तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान को धमका दिया है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आखिरी डेट है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट की सेल की, बहुत ही सस्ते में कोर्स निकाला है दोस्तों, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। कल 1 बजे मैं लाइव आऊंगा, पहली लाइव क्लास है, पहली लाइव क्लास तो पब्लिक रहेगी, यूट्यूब पे सबके लिए है, 10 सेशन होंगे, 30 से 50 किताबों का रिव्यू है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो क्योंकि आज लास्ट डे है सेल का। ओके, तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। तो यहां पे कमांडर ने यह बोला है कि सुनो बेटा, पाकिस्तान तुम हमको यह मत बताओ कि हम किसको लेके आए ना लेके आए। पाकिस्तान ने कई बार आपत्ति जताई है कि आप हमारे हिसाब से चलोगे, कौन आएगा नहीं आएगा ये हम डिसाइड करेंगे। तो यहां पे एक वीडियो में तालिबानी कमांडर ने यही बोला है कि बाढ़ के इस साइड वाला एरिया हमारा है, हम वहां पे अमेरिकन को लेके आए, हम वहां पे भारतीय को लेके आए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी हद में रहो, हम आपको इसीलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हो, वरना हम आपका वैसा ही हश्र करते जैसा अमेरिका का किया है। इतनी बात ध्यान से समझ लो, ये खुली चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को तालिबान ने, ठीक है। तो ये अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, ये क्या ही है, तो इतनी कोई खास नहीं है, तो चेतावनी तो मिलती रहती है। नहीं, ये दर्शाता है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, क्योंकि अगर कमांडर लेवल पे इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, यानी कि टॉप लेवल पे पाकिस्तान से कोई खुश नहीं है। वैसे भी आपको बता दो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, अभी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई कि अफगानिस्तान में भयानक अब्यूज़ हुआ है, औरतें और बच्चे इतनी तेजी से डिसअपियर हुए हैं जितना कहने को नहीं, मतलब अब्यूज़ हर जो कहते हैं कि लिमिट है वो क्रॉस कर दी गई है। और इस समय अफगानिस्तान के हालात वाकई बहुत ज़्यादा बुरे हैं। भारत से अफगानिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तालिबान प्रशासन भारत से बोला है कि आप आओ, यहाँ तक कि जब अभी जुलाई में जब भारत गए एम्बेसी में 22 जुलाई को, तो एम्बेसी सुरक्षित थी, यहाँ तक कि तालिबानियों ने वहाँ पे लोगों को तैनात किया था कि एम्बेसी कोई खतरा ना हो, वीज़ा फैसिलिटी जो है वो अभी भारत शुरू कर देगा। बहुत सारे अफगानी वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनकी ये नाराज़गी है कि भारत ने वीज़ा फैसिलिटी बंद क्यों कर दी। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत से रिश्ते तो सुधर रहे हैं, क्योंकि लगातार तालिबान भारत के फेवर में भारत से मदद के लिए स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान से दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। और यह मैंने दोस्तों आपको पिछले साल ही बोला था कि इतना आसान नहीं रहने वाला है, भले ही पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, लेकिन एक तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब है और ऊपर से फिर तालिबान के साथ ऐसे रिश्ते बहुत ज्यादा ये समय चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा समय तक, एक ना एक दिन सब्र का बांध टूटेगा और होगी तबाही, आप देख लीजिएगा यही होना है ना। तो ये चीज है, ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।